पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट को, और ये है इफ एल्स। इफ स्टेटमेंट कंप्लीट मैंने कर दिया था, एग्जांपल भी दिया था, डेफिनेशन भी। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको जब वो वीडियो आप देख लोगे वो समझ में आ जाएगा, तो इफ स्टेटमेंट जो इफ एल्स है आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ कुछ चीजें, जैसे क्या इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे ना कि एक बड़ा रूप है, कह सकते हैं विस्तारित रूप, कहने का मतलब कि जो इफ स्टेटमेंट होता है वो छोटा कह सकते हैं, और इफ एल्स का मतलब उसका बड़ा रूप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो कंडीशन होता है वो ट्रू होने पर इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होते हैं, यानी कंडीशन चेक हुआ अगर ट्रू हुआ तो एक्सिक्यूट होगा। इसके विपरीत कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा इंस्ट्रक्शन भी एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, दोनों इसमें इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होते हैं, यदि फॉल्स हुआ तो भी और ट्रू हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है सिंटेक्स। इफ कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट का ब्लॉक, यहाँ लगा ट्रू ब्लॉक हुआ तो स्टेटमेंट चलेगा, और क्लोज किया इल्स किया तो जो फॉल्स ब्लॉक है वो भी चलेगा। तो ख्याल रखना, जब एग्जाम में अगर आंसर लिखना इफ एल्स का कोई प्रोग्राम आ जाए तो सिंटेक्स बनाना मत भूलना, ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, कि कंडीशन होगा अगर चेक हुआ तो ट्रू ब्लॉक चले और इस लगा करके फॉल्स ब्लॉक भी चले। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लो फिर प्रोग्राम बांध देखते हैं। लिखा है इफ एक्स इक्वल टू 10 तो इसका जो प्रिंट हो जाएगा एक्स इज 10 तो इल्स हो जाए, मतलब 10 करे, उसके बाद इल्स में क्या होगा प्रिंट करेंगे आप एक्स इज नॉट 10, दोनों मैटर प्रिंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है इफ अमाउंट लिखा है, अमाउंट जो 5000 ज्यादा है, ठीक है, तो पे इन कैश करिए। यदि होता जब होता क्या है, इन सब प्रोग्राम से ना हम कोई भी सॉफ्टवेयर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई प्रोग्राम बनाना हो, अगर वॉच का घड़ी का बनाना हो प्रोग्राम, या रैम्बो आपने नोटिस किया होगा, कलर विजन का प्रोग्राम बनाना, मतलब जिसे कलर बहुत सारे कलर मिक्स कलर के प्रोग्राम बनाना हो तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं केवल। ठीक है, और जब हमें एडवांस पढ़ना होता है तब उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। देखो यहाँ लिखा है, उसको समझो थोड़ा सा, लिखा है कि कोई बंदा जब अगर 5000 से कम हो तो बंदा पे करे कैश, यदि 5000 से ज़्यादा हो तो वो चेक के माध्यम से पे करे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लो। लिखा कि वेब टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड आउट डेटा नंबर। इस तो क्वेश्चन एग्जाम में ये इस तरह से पूछेगा कि इसे इसमें से दो नंबर लिखिए और इनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो फाइंड करके बताइए, और इफ एल्स का यूज करना है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मेन, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि मेन फंक्शन हम डायरेक्टली लिख करके भी रन करा सकते हैं, इंक्लूड स्टडियो को जरूरत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में एग्जाम दीजिए तो वहां पर वो चीज इंक्लूड कर दीजिएगा, उसको भूलिएगा मत। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटअप करोगे दो नंबर को, फिर स्कैन करोगे मतलब इनपुट करोगे, और यहाँ पे कंडीशन चेक किया तो ग्रेटर नंबर दिखे, फिर अगर ना हो तो जो फॉल्स वाली वैल्यू है वो भी दिखे, यानी दोनों कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर ना। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम को हम इसमें बनाते हैं। ये हमारे पास टर्बोशी है, टर्बोशी में हम प्रोग्राम बनाएंगे। हम टर्बोशी का प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, इसमें हमें नंबर को फाइंड कराना है, लिखा मेन, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक को बना लिया जिसे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है कि मेन फंक्शन में पूरा प्रोग्राम चलता है। हमने INT दिया और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल लेनी है, हमने दो वेरिएबल बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज करके नीचे जाएंगे, हमने लिखा CLR SCR ओपन क्लोज स्टेटमेंट क्लोज, सेमी कॉलन का मतलब हो जाता है स्टेटमेंट क्लोज करना। हमने लिखा प्रिंट ऑफ और यहाँ पे हमने डबल कोटेड लगाया, इसके अंदर हम लिख देंगे इंट टू नंबर, सॉरी टू नंबर, यहाँ पे हम इक्वल कर सकते हैं वहां देखने के लिए अच्छे से, इंटर किया हमने। अब हम लिखेंगे इसका, है ना, यहाँ पे हमने लिखना है
ठीक है परसेंटेज डी, ठीक है ये इंटीजर वैल्यू है और हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम दो दो यूज करेंगे इसमें, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और एम्परसेंट लगा करके हम यूज करेंगे जो हमारे पास जो हमने वैल्यू दिया ऊपर ए लगा दिया और एम्परसेंट बी, इंटर किया। अब हम कंडीशन यहाँ देंगे इफ, यदि कंडीशन चलेगा यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर इंटर किया हमने। अब ध्यान देना यहाँ पर ये यह प्रोग्राम हमें क्या करना होगा, ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसके बीच में हम क्या करते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। क्या सिंटेक्स भी ऐसे था अपने ख्याल क्या होगा, हमें यहाँ लिख देना है कि जो भी नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज जो सबसे बड़ी नंबर होगी और हमें यूज करना है फर्स्ट वाले को, परसेंटेज डी लगाया और हम बाहर जा करके ए को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इंटर किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, यानी क्या हुआ इस वाला चले, इंटर किया। तो इस में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट का ब्लॉक बनेगा, है ना। क्या लगना, हम चाहें तो कहीं भी ब्लॉक ना बनाए, केवल मेन फंक्शन बना करके छोड़ दें, प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि प्रोग्राम का एक सिक्वेंस कहाँ का आपने काम किया है वो ये भी बताता है, ठीक है ना। दोनों ख्याल रखना, बिना ब्लॉक का स्टेटमेंट चल सकता है, केवल मेन फंक्शन में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने लिखा ग्रेटर वैल्यू इज और यहाँ परसेंटेज लगा दो सेकेंड नंबर के लिए, कॉमा लगाया, यहाँ लिख दो बी और स्टेटमेंट आपका वैसे भी क्लोज है, इंटर किया। अब लगा दो गेट सी एच ओपन क्लोज। देखो अब ये प्रोग्राम हमारे पास रेडी है, इसको हम सेव कर लेते हैं एफ टू प्रेस करके। प्रोग्राम का नाम लिख दिया हमने इफ इज डॉट सी, इंटर किया। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो एरर भी दिख जाएगा, ठीक है। हमने प्रेस किया कंट्रोल एफ नाइन, देखो अब बोला है इंटर टू नंबर, दो नंबर दीजिए। हमने कोई नंबर दे दिया जैसे हम लिख गया 35, इंटर किया, और एक हमने दे दिया 20, इंटर करो। बोला कि जो सबसे बड़ी नंबर है वो है 35, समझ में आया। अब देखो कंट्रोल एफ नाइन करेंगे फिर से, हमने लिखा पहले हम लिखा 10 और दूसरे में लिखते हैं हम, क्योंकि पहले हमने बड़ा दिया था अब छोटा देते हैं। अब देखो ध्यान से इसमें हम दिया 100, तो क्या होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर प्रिंट होकर के आएगा। क्या आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।